आज की वीडियो में हम वी लुकअप फंक्शन का यूज देख रहे हैं, जिसमें यहाँ पर देखिए हमने जो है फंक्शन यूज किया हुआ है। यहाँ हम आईडी जैसे ही चेंज करेंगे तो आपका यहाँ पर डाटा देखिए चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर कोई भी आईडी हम दे रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड दिखा रहा है, और जो आईडी हमारे डाटा में नहीं है उसमें यहाँ पर एन ए करके जो है आ जा रहा है। चलिए ये हम कैसे करते हैं देखते हैं। इसका यूज है कि बहुत सारे डाटा में आपको कुछ वैल्यू सर्च करनी हो तो यदि आप एक एक करके ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए हम वी लुकअप फंक्शन का यूज करके उसे तुरंत से सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ हमने डाटा तैयार कर लिया है, यहाँ पर हमें जो है हेडिंग दे देना है, तो इस हेडिंग को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हम इसमें से कोई आईडी लिख देते हैं। यहाँ आप वी लुकअप फंक्शन कैसे यूज करेंगे उसके लिए आपको लिखना है बराबर वी लुकअप ब्रैकेट ओपन और फिर जो आईडी आप सर्च करना चाहते हैं उस आईडी का सेल एड्रेस। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं G6 कॉमा, फिर आपको ये पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ से पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको लगाना है कॉमा, और फिर हम यहाँ क्या देखना चाहते हैं नेम। तो नेम हमारा कितने कॉलम नंबर पर है, तो फर्स्ट में आईडी है, सेकंड में नेम है, तो दो नंबर कॉलम में हमारा नेम है, तो दो, फिर से लगाएंगे कॉमा। अब आपका यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है ट्रू और एक है फॉल्स। तो यहाँ यदि हमारा ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता तो हम यहाँ पर वन देंगे, और यदि हमारा डाटा यहाँ देखिए दूसरे नंबर में जो है अरेंज नहीं हो, यहाँ हमें जो डाटा यहाँ पर है हमारा उसी से मैच करके दिखाए, अदरवाइज कोई दूसरा डाटा नहीं दिखाए, उसके लिए आपको यहाँ पर जीरो करना है। अब हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 1002 में सुमित आनंद है। अभी यहाँ से हम आईडी यदि चेंज करते हैं 0010, तो देखिए यहाँ पर सीता कुमारी है और 10011 रानी कुमारी है। अब जब हम यहाँ पर ऐसा आईडी देते हैं जो यहाँ है ही नहीं तो क्या होगा, यहाँ आपका एनए आ जाएगा यानी नॉट अवेलेबल। चलिए अब हम पोस्ट के लिए फिर से लगाते हैं फंक्शन, लिखेंगे बराबर वी लुकअप ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर यहाँ हम जो आईडी सर्च करेंगे यहाँ आईडी पर क्लिक कर देंगे, फिर से लगाएंगे कॉमा, और फिर आपको ये पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेना है, फिर लगाएंगे कॉमा, और फिर यहाँ जो हमारा पोस्ट है वो कितने कॉलम नंबर पर है, तो 1 2 3 तीसरे कॉलम पर है, तो हम यहाँ लगाएंगे 3 और फिर से कॉमा, और ये एग्जैक्ट जो मैच करे डाटा वही हमें दिखाए तो उसके लिए लगाना है 0 और फिर ब्रैकेट बंद और फिर एंटर। तो यहाँ देखिए जो इनका पोस्ट है वो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखा रहा है। हम यहाँ से आईडी बदल देते हैं, तो फिर यहाँ पर रोहन कुमार भी मैनेजर हैं, यहाँ 1000002 कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे पोस्ट भी हमारा चेंज हो जा रहा है। इसी तरीके से हम लगाते हैं सैलरी में बराबर वी लुकअप OOKUP फिर ब्रैकेट ओपन और फिर हमें इस आईडी पर क्लिक कर देना है, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर आपको पूरा डाटा सेलेक्ट करना होगा यहाँ से, और फिर हम यहाँ लगाएंगे कॉमा, और फिर जो हमारा सैलरी है वो चौथे नंबर पर है तो हम लगाएंगे 4 और फिर लगाएंगे कॉमा, और डाटा मेरा पूरा मैच करना चाहिए तो उसके लिए 0 ब्रैकेट बंद एंटर। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड आपको वहाँ होगा केवल उसी का डाटा दिखाएगा, जो रिकॉर्ड नहीं होगा वो डाटा नहीं दिखाएगा। यहाँ जैसे हम ये ऐसे ही कुछ दे देते हैं तो देखिए यहाँ पर NANA इस तरह से आ जा रहा है। अब इसी चीज को हम यदि नई सीट पर चाहते हैं देखना, जैसे ये हमारा है, हम चाहते हैं यहाँ पर नया सीट लेकर यहाँ उस डाटा को हम देखें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ हमें उस फंक्शन को लिखना होगा। तो चलिए हम इस हेडिंग को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अब हम चाहते हैं यहाँ पर नेम आ जाए, तो उसके लिए आपको बराबर वी लुकअप LOOKUP ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ इस आईडी पर क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और फिर यहाँ आपको सीट वन में डाटा है तो सीट वन पर क्लिक करना है, और फिर इस पूरे डाटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर सीट टू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपका सीट टू लिखा हुआ आ गया है, यहाँ आपको सीट टू को हटाकर 1 कर देना है।
फिर यहाँ लगाएंगे कॉमा। अब हमें जो नेम दिखाए वो हमारा कहाँ से आएगा, तो यहाँ देखिए नेम आपका फर्स्ट नहीं सेकंड वाले कॉलम पर है, तो यहाँ आपको लिखना है टू, ये हटा देते हैं हम, यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम पर है तो टू, और फिर लगाएंगे कॉमा और फिर एग्जैक्ट मैच करके दिखाए तो फिर जीरो, फिर ब्रैकेट बंद और फिर एंटर। तो यहाँ देखिए आपका 1001 पर अमित कुमार है, हाँ है। हम जैसे 1009 का देखते हैं मुकेश कुमार यहाँ आ रहा है या नहीं, 1009 एंटर, हाँ मुकेश कुमार आ रहा है। इसी तरीके से हम पोस्ट का भी कर लेंगे बराबर, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर यहाँ जो आईडी हमें सर्च करनी है उस आईडी पर यहाँ क्लिक कर देते हैं, फिर लगाएंगे कॉमा और फिर यहाँ हम सीट वन पर आएंगे, पूरा डाटा जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ सीट टू पर आकर यहाँ जो आपका सीट टू हो गया है इसे सीट वन कर देना है, फिर यहाँ लगाना है कॉमा। अब जो हमारा पोस्ट है वो तीसरे नंबर कॉलम में है तो थ्री और फिर कॉमा और फिर से जीरो और ब्रैकेट बंद और फिर एंटर। तो यहाँ देखिए 1009 में पोस्ट है अकाउंटेंट है, जैसे हम चेक करते हैं 1005 का, 1005 तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका पोस्ट आ रहा है। ऐसे ही हम सैलरी चेक करते हैं बराबर, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, यहाँ इस आईडी पर क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर डाटा पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ सीट टू पर आएंगे, यहाँ से आपको सीट वन कर देना है, फिर यहाँ लगाएंगे कॉमा। अब जो हमारा सैलरी है वो हमारा चार नंबर कॉलम में है तो चार कॉमा जीरो और फिर ब्रैकेट बंद और फिर एंटर। तो यहाँ से देखिए आपका अब डाटा पूरा सर्च होकर आ रहा है, जो आईडी यहाँ पर नहीं होगा उसमें एन ए लिखा हुआ आएगा। ओके, थैंक यू।